हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं गुनगुन और आप लोग देख रहे हैं गुनगुन ऑलराउंडर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं। इस रेसिपी का नाम है राजमा, जो बहुत सब लोग को पसंद आती है। तो चलिए इजी ट्रिक से हम लोग राजमा बनाना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग राजमा को अच्छे से धोएंगे और 6 से 5 घंटे हम लोग इसे पानी में भिगो के रखेंगे। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग राजमा अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दालचीनी डाल रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। और अब फ्रेंड्स हम लोग डालेंगे इलायची और अब हम लोग गैस पे चढ़ा देंगे और इसकी सीटी आने तक का वेट करेंगे। 5 सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने लहसुन लिया है, छिल लिया है इन्हें अच्छे से, और 1 इंच अदरक लिया है जिसे हमने कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ हमने 1 मीडियम साइज़ का टमाटो लिया है और 2 चिलीज़ लिए हैं फ्रेंड्स, ग्रीन चिली। और इनका हम लोग पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इन सब का पेस्ट बना लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग का राजमा भी उबल गया है और पेस्ट भी बन गया है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग। और कढ़ाई में हम लोग तेल डाल देंगे और हमने प्याज भी चॉप्ड कट कर लिए हैं। और तेल अब फ्रेंड्स देख सकते हैं गरम हो रहा है। जब तेल गरम हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे जीरा। तो फ्रेंड्स, जो राजमा है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा बनता है और वहाँ का फेमस है ये राजमा डिश, और मैं वहाँ रही हूँ इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ हमने जीरा डाल दिया है फ्रेंड्स। और अब हम लोग हींग डाल रहे हैं और हमने लौंग भी डाल दिया है फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं। और अब हमने प्याज डाल दिया है और इसे पिंक होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। ये रेसिपी बहुत इजी है, आप लोग पहले बार बनाएंगे आपको बहुत टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिए थे, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख के दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग इसे एकदम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम लोग अपना इसमें पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाया था। तो ये देख सकते हैं फ्राई हो गया है ये अच्छे से। और अब हम लोग अपना पेस्ट डाल लेते हैं जो हमने बनाया था, टमाटर, मिर्ची और लहसुन अदरक का। इसमें हमने नमक नहीं डाला था फ्रेंड्स पेस्ट में। और ये देख सकते हैं अब हम इसे भी डाल के अच्छे से पका लेते हैं। और इसमें अब हमने डाल दिया है हल्दी, ये देख सकते हैं। और इसे भी और भी हम लोग मसाले डाल लेते हैं। यहाँ हमने डाल दिया है गरम मसाला और अब हम लोग डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। और अब अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास। तो फ्रेंड्स, ये देखिए। और फ्रेंड्स, ये राजमा बहुत टेस्टी बनने वाला है, आप लोग इसे पूड़ी के साथ खाइए। और मुझे तो राजमा चावल के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें देखिए लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और टेस्ट टू नमक। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और जब तक हम लोग का मसाला तेल ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। और फ्रेंड्स, राजमा आप लोग एक बार खाएंगे आपको पंजाब की याद आ जाएगी अगर आप वहाँ घूमने गए हो तो। इसमें हमने कसूरी मेथी डाला है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से मिक्स कर लिया है हम लोगों ने। और अब हम लोग राजमा डालेंगे क्योंकि देख सकते हैं अब हम लोग का मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है।
ये देखिए तेल छोड़ने लगा है, तो इसी स्टेज पे हम लोग अपना राजमा डालेंगे। देख सकते हैं राजमा एकदम अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है। तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब हमने राजमा को बॉईल किया था उसमें भी हमने नमक डाला था, और जब हम लोग अपना मसाला बना रहे थे तो भी हमने नमक डाला था। तो ध्यान से डालिएगा, ये देख सकते हैं इसे हम लोग अच्छे से चलाएंगे एक दो मिनट, और इसमें लास्ट हम लोग धनिया डाल देंगे और इसे भी एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब ये अच्छे से हम लोग का बन गया है, इसे अब हम लोग निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, और देख सकते हैं कितना अच्छा हम लोग का बना है राजमा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग का राजमा बन के रेडी हो चुका है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने अदरक के लंबे लंबे टुकड़े कट कर लिए हैं और मिर्ची के भी, और यहाँ जिसमें आप लोग हमेशा तड़का लगाते हैं दाल में तो उसी को ले लीजिए, और उसमें 2 टेबल स्पून घी डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने घी डाला है, आप लोग बटर भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स गैस को तेज कर दिया है अब हम लोगों ने, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ये देखिए। और लास्ट में हम लोग लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, उसे डाल के हम लोग अपने राजमा में ऊपर से डाल देंगे। अगर आपको ये लंबे लंबे पीस नहीं पसंद है तो आप लोग अपने मन से छोटे छोटे पीस भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए लाल कश्मीरी मिर्च हमने डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। और अब हम लोग डाल देते हैं, तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग का ये रेसिपी बनके रेडी हो चुका है, और मुझे पता है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।